मानव सेवा ही माधव सेवा है। गरीबों, बेसहारा लोगों और बीमारों की सेवा का संकल्प का ये महायज्ञ है। हजारों हजार लोग अपनी सालों पुरानी बीमारी से मुक्ति पालेंगे। महंगे डॉक्टर और महंगी दवाओं के कारण दुआपर टिकी इनकी जिंदगी में रोटरी राहत मेडिकल मिशन एक नई सुबह लेकर आएगी। मंडला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ के लोगों को ऐसे आयोजनों की जरूरत होती है। आदिवासियों के हित चिंतक एवं मध्य प्रदेश के दूरदृष्टा मुख्यमंत्री कमलनाथ स्वयं उपस्थित होकर मेडिकल मिशन को अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन के पूर्ण सहयोग से प्रदेश के अनेक हिस्सों के गरीब एवं बेसहारा मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। रोटरी राहत मेडिकल मिशन एक बार फिर उन गरीब और बेबस लोगों की जिंदगी में दोबारा खुशियां लौटाने, उन्हें सेहतमंद करने। रोटरी राहत मेडिकल मिशन का कैंप 7 नवंबर से 14 नवंबर 2019 तक आयोजित किया जा रहा है। मंडला के महात्मा गांधी खेल मैदान में आयोजित होने वाले रोटरी राहत मेडिकल मिशन का ये मंडला में दूसरा अवसर है। सेवा भावी संस्था रोटरी इंटरनेशनल, रामकृष्ण तनखा फाउंडेशन, रोटरी क्लब मंडला मेगल, इनरविल क्लब, स्वास्थ्य विभाग मंडला के साथ ही रोटरी क्लब चंडीगढ़ मिड टाउन के सहयोग से हर रोग का मुफ्त इलाज किया जाएगा। दुआ से दवा तक की मानव सेवा की इस यात्रा का भार समाज के शुभ चिंतक श्री विवेक तनखा जी की सक्रियता से संभव होता है। यूं भी आयोजन पीपीपी मोड का अप्रतिम उदाहरण है। इस मानव सेवा प्रकल्प में उन लोगों को साथ लिया गया है जिन्हें रोटरी राहत मेडिकल मिशन के बारे में बताने वाला कोई नहीं था। जिला प्रशासन इस मेडिकल मिशन को कामयाब बनाने में साथ खड़ा है। जब एक बीमार मुस्कुराकर कह उठेगा, मैंने तो अपनी जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी, उम्मीद का दूसरा नाम है रोटरी राहत मेडिकल मिशन। रोटरी राहत मेडिकल मिशन ये आयोजन व्यक्ति का नहीं, संस्था का नहीं, ये समाज का है। कोई पीड़ित, कोई बीमार आपके आसपास हो तो ले आइए, एक जिंदगी देने में साथ चलिए, एक चेहरे पर मुस्कान ले आइए। यहाँ उन हजारों हजार मरीजों को दर्द से राहत मिलेगी, मन को चैन मिलेगा और मिलेगी सेहत भरी जिंदगी।